और वो तोते को उसको अंदर में धर दिए। राधा रानी बड़ी व्याकुल हो रही है तोता के लिए। एक सखी थी जिसका नाम थी माधुरी का, बोले देखो तो मेरे तोता भी उड़ते हुए चला गया। आकर के देखा कृष्ण अपना हाथ में बैठा करके आनार की दाना खिला रहे थे, बड़ी प्यार उसको कर रहे थे। बोले श्याम सुंदर, ये जो तोता है हमारे श्री किशोर जी की तोता है, किशोर जी की ये पालता तोता, इसको दे दो। बल अगर तुम्हारी किशोर जी की पालता तोता हो फिर तुम बुलाओ, अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए तुम्हारे हाथ में चले जाए समझूगा भैया तुम्हारा तोता भर ले जाना। बोले श्याम सुंदर, तुम्हारे नाम ही कृष्ण है, कृष्ण मतलब क्या है? बोले करसत कृष्ण, जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को अपना तरफ में जो आकर्षण करे। बोले बताओ अगर किसी ने तुम्हारे हाथ में बैठे तुम उसको लाड लड़ाओ फिर उसकी आनार की दाना खिलाओ कभी तेरे को छोड़ सकता है? बोले भैया समझो तोता तो मेरा, तुम अभी तुम जाओ। अभी वो श्री मैया जसोदा के पास में गई। बोले मैया हमारी राधा जी की तोता उड़ते हुए आ गया और तुम्हारी लाला कन्या ने पकड़ लिया, वो देना नहीं चाहता है, हमारी किशोरी जी बड़ी दुखी। बोले कोई चिंता मत करो, कृष्णा जब गोचर न करने जाएगा पीछे से फिर ये तोता को मैं तुम्हारे पास में भेज दूंगा। फिर पीछे से वो तोता को श्री राधा जी को पास में भेज दिया। इसलिए शंकर जी जब ध्यानस्थ हुए तो उनने समस्त लीलाओं को दर्शन किया। जैसे भगवान राम जब उन्होंने अयोध्या छोड़ करके गए, संपूर्ण अयोध्या प्रभु राम लेकर गए, लेकिन एक व्यक्ति को लेकर नहीं गए। बता सकते हो एक व्यक्ति कौन था?
कौन बोलेगा? जो एक व्यक्ति को छोड़कर गए जगत में भक्ति को प्रचार करने के लिए, राम भक्ति को, कौन है? श्री हनुमत लाल जी। बोले श्री हनुमत लाल की। उसी तरह ठाकुर जी जब संपूर्ण लीला को अंतर ध्यान करते हुए गोलोक वृंदावन चले गए, केवल उन्होंने ये तोता को छोड़ कर गए। बोले तोता अगर तू चला जाओगे तो फिर जगत में ये कृष्ण भक्ति को कौन प्रचार करेगा? इसलिए शंकर जी जब ध्यानस्थ में देखे, शंकर जी गदगद हो गए, कथा सुनाना सार्थकता हो गया। ये तोता ने कथा सुन करके यही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आएंगे और जगत में भागवत धर्म को प्रचार करेंगे। बोले श्री सुखदेव महाराज की। इसलिए देखो कथा की क्या महत्व है। शंकर जी स्वयं कहते हैं, शंकर जी कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम, देव देव महादेव, जोगी जोगी महाजोगी शंकर जी। शंकर स्वयं कहते पार्वती, मैंने ये भागवत कथा सुन करके ही मैंने अमरत्व को प्राप्त की। इसलिए शंकर जी यही कथा को जब अमरनाथ में पार्वती को सुनाए, कहते तब भी मैया को ही अमरत्व की प्राप्ति हुई। समझो ये भागवत कथा की कितने महत्व है चीज को समझो। जो शंकर पार्वती की कथा सुन करके जो अमरत्व हुई, अगर हम भी सुनेंगे ना, हम भी जगत में अमरत्व को प्राप्त करेंगे। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ राधा रानी कहती हैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवना कभी भी पीता। कथा सुनने का पहला लाभ है अमरत्व की प्राप्ति। दूसरी लाभ क्या है? बोले तप्त जीवन। तप्त जीवन मतलब क्या? बोले संसार में हम सब दुखी दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। संसार में हम सबके सब दुखी है, लेकिन राधा रानी कहती है जो कथा को सुनेगा, कहते तप्त जीवनम, ये संसार का जितने दुख कष्ट है समस्त दुख कष्ट तुम्हारी लाघव हो जाएगी, समस्त दुख कष्ट तुम्हारी समाप्त हो जाएगी जो ये भागवत कथा को श्रवण करेगा। बोले तीसरा लाभ क्या है? बोले कभी भी रीडम, भैया इसका अंदर में लाइट नहीं है कोई? हरे कृष्णा भैया लोग, ये अंदर में कोई लाइट नहीं है? अंदर के लिए कोई लाइट हो तो जला दो अंदर के लिए। इसलिए जो तीसरा लाभ है, बोले कभी भी रीडम, जो कथा को बड़े बड़े कवि लोग जिस कथा को गान करते हैं, देखो शंकर जी स्वयं गान करते हैं, ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उन्होंने ये चतुष्ण को कथा सुनाई, नारद जी तो इसी कथा को आगे सुनेंगे, नारद जी भी कथा सुनाते हैं, श्री व्यास देव भी सुनाते हैं, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित, सुप्त गोस्वामी, बड़े बड़े कवि लोग जो कथा को गान करते हैं। बोले जो चतुर्थ लाभ है, बोले कलम सा अपहम, कहती है भागवत कथा सुनने से जीवन का जितने कलमस मतलब पाप है, ये समस्त पाप भी नष्ट हो जाएगी। जो पंचमा लाभ है, बोले श्रवण मंगलम, ये कथा को जो सुनेगा कभी जीवन में उसका अमंगल आ ही नहीं सकता है, जीवन में उसको मंगल मंगल की प्राप्ति होगी। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। हाँ देखो एक सुंदर कथा सुनो, ध्यान देकर ये कथा की कितने महत्व है। अगर अनजान में आपको पता नहीं ये कथा पता होती क्या, ये अनजान में भी अगर ये कथा को कोई सुन लिया
कभी ये श्री वाल्मीकि जी, ये वाल्मीकि रामायण में ये कथा को लिखते हैं। बोले एक समय एक राजा और एक रानी थे, सत्यवती और राजा और रानी थे। ये क्या करते थे, दिन रात ये दोनों पति पत्नी भगवान राम की सेवा करते थे, राम कथा कर सुनते थे। समय मिले तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन भगवान के नाम जप करते थे 24 घंटा अष्टयाम। एक समय एक विभांग नाम के ऋषि थे, इनकी भक्ति को देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले ये राजा और रानी होकर के अष्टयाम प्रभु की सेवा, प्रभु की कथा, प्रभु का भजन में लगे हुए, बड़े आश्चर्य हुए। तब उन्होंने पूछे, महाराज आपकी मति ऐसे कैसे हो गई, आप राजा रानी होकर के अष्टयाम प्रभु की भजन भक्ति में लगे क्यों। इतने में राजा बोले, बाबा संतों को सामने किसी बात को छुपानी नहीं चाहिए, अभी तक ये रहस्य मैं किसको बताया नहीं, जीवन में पहला बार आपको ये कथा मैं सुनाता हूँ। मेरी 4 जन्म की मेरी याद है, कितना जन्म की, कहते मैं जातीश्वर हूँ। जातीश्वर मतलब होता है जिनको पूर्व जन्म की बात याद है। बोले मेरे 4 जन्म की बात याद। बोले 4 जन्म की, बोले हाँ। बोले क्या याद है, ध्यान देते हुए सुनो। कहते पूर्व जन्म में मेरा नाम था काली, मेरी जो पत्नी है इसका नाम थी मालती। मैं बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, जानवर को खाना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, बेस्यागिरी, ऐसे कोई पाप कर्म नहीं जो जीवन में मैंने की नहीं। मेरे परिवार वाले दुखी होकर घर से मेरे को निकाल दिए। और जो मेरी पत्नी को देख रहे हो, ये तो अपना पति का हत्या कर दी, इसकी परिवार वाले भी इसको घर से निकाल दिए। अभी दोनों हम जंगल में घूमते घूमते दोनों दोनों से मिले। बोले जीवन तो बीत नहीं रहा है किसी तरह से, हम दोनों एक कट पति पत्नी रूप में रहे और जानवर को मार कर खाते थे, अपना जीविका निर्वाह करते थे। लेकिन जब हम दोनों वृद्ध हो गए, अभी हमसे जानवर मारा नहीं जा रहा है, बड़े कष्ट से अपना जीविका निर्वाह कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, देखो अभी का समय है, अभी जो नवरात्रि है ना, ठीक यही समय में एक समय के हम जहां रहते थे वो वशिष्ठ जी के आश्रम के पास में रहते थे। एक दिन हमने देखा कुछ लोगों को वहां पर एकत्रित होते हुए, जैसे आप लोग यहाँ पर भागवत कथा सुनने के लिए आए हो। हमने देखा कुछ लोगों को एकत्रित होते हुए, दोनों पति पत्नी हम वहां पर गए। हमको पता चला अभी नवरात्रि है, ये नवरात्रि में ये 9 दिन तक यहाँ पर प्रभु राम की कथा होगी। जो व्यक्ति ये राम कथा सुनने के लिए आएंगे उनके लिए फलाहार की व्यवस्था है। हम तो दोनों खुश हो गए, क्यों, बोले 9 दिन तो कोई खाने पीने का चिंता की बात नहीं, प्रभु राम की कथा सुना और बाद में प्रसाद पाओ। देखो कितने महत्व, ध्यान देकर सुनो कथा की क्या महत्व है। ऐसे ही हमने 9 दिन ऐसे बिता दिया कथा सुन करके और प्रभु की प्रसाद को पा करके। जब हम दोनों को मृत्यु हुई, अभी जमदूत पकड़ करके हम दोनों को ले गए जमपुरी में। जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाए, चित्रगुप्त कौन है, गुप्त मतलब होता है छुपा करके, चित्र मतलब फटो, ऊपर में ना एक कैमरा लगा हुआ है जो ऑटोमेटिक सबके समय हमारे फटो को ले रहा है, मरने के बाद सब कुछ निकलेगा। अभी चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, ये दोनों ने कितने पाप और पुण्य किए। चित्रगुप्त बोला ये दोनों का कोई भी पुण्य नहीं, ये तो महादुष्ट है, सारे पाप कर्म किया, पत्नी भी अपना पत्नी को हत्या कर दी थी। बोले भैया देखो तो सही, कुछ तो थोड़ी बहुत पुण्य तो होगा देखो। बोले हाँ थोड़ी सी पुण्य। बोले क्या पुण्य, बोले इसी नवरात्रि में श्री वशिष्ठ जी के आश्रम पर ये 9 दिन तक प्रभु राम की कथा हुई और ये दोनों पति पत्नी 9 दिन तक प्रभु राम की कथा सुने, कथा को बाद में प्रसाद पाए, इतना ही पुण्य और कोई पुण्य नहीं।
इतना सुन करके जब महाराज बल इसका सारे पाप को काट दो, सारे पाप को हमारे काट दिए और हम दोनों को भेज दिया रमा वैकुंठ में। बोले रमा वैकुंठ मतलब क्या है? बोले एक वैकुंठ है ये बिरजा के ऊपर में, सीम लोक के ऊपर में, एक वैकुंठ है ये ब्रह्मांड में। जैसे ध्रुव महाराज यहाँ पर रहते हैं, ये ब्रह्मांड का अंतर्गत रमा वैकुंठ में। कहते हमको 100 साल के लिए उन्होंने ये रमा वैकुंठ में भेजे, वहां पर इतने ऐश्वर्य को हमने भोग की जो कल्पना नहीं कर सकते। 100 साल के बाद में फिर हम दोनों को ब्रह्मलोक में भेजा गया, फिर हम दोनों पति पत्नी ब्रह्मलोक में भी सारे ऐश्वर्य को भोग किया, उसको बाद में फिर स्वर्गलोक में भेजा हमें 100 साल तक, वहां इंद्राणी बन करके रहे और सारे भोग सुख किए। 100 साल जब खत्म हो गया, अभी ये पृथ्वी का राजत्व तो प्राप्त करके हम दोनों पति पत्नी अभी पृथ्वी का राजत्व तो प्राप्त किए, राजा रानी बने हुए। अभी तो हमारी ठाड़ बाड़ को आप देख रहे हो, देखो ध्यान देकर सुनो। इसी समय में उन्होंने कथा सुने थे, तो 9 दिन तक उन्होंने कथा सुने तो इतने महिमा, बोले हमें 4 जन्म की बात याद है। अगर हम अनजान में ये नवरात्रि पर हमने 9 दिन तक कथा सुनो तो अगर इतने पुण्य मिल सकती है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी समय को बर्बाद नहीं करते हुए समय मिले तो भगवान की हरिनाम करते हैं, ठाकुर जी को सेवा करते हैं अष्टयाम, और राजा बैठ करके रामायण पढ़ता है और रानी बैठ करके राम कथा सुनती है। इसलिए हम समय को हम बर्बाद नहीं कर रहे। इसलिए आप लोग ये जो नवरात्रि में जो कथा सुन रहे हैं ना, आप सोच नहीं सकते इसकी कितने महत्व है। इसलिए गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम, जो ये भागवत कथा श्रवण करेगा उसको मंगल मंगल होगा। और उसका जो छठवां लाभ है श्री, श्री मतलब होता संपत्ति। जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा उसको घर में मां लक्ष्मी की भी कृपा होगी। श्री मतलब होता है शोभा, श्री मतलब संपत्ति, श्री मतलब होता है जस। ये भागवत जो कथा सुनेगा जगत में उसकी जस भी बढ़ेगी। और ता मतलब होता है खंडयती, जो ये कथा सुनेगा संसार का बंधन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए श्री राधा रानी कहती है जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल खोलते, कोई कॉलेज खोलते, कोई अन्न छत्र खोलते, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा जो दान करते हैं, इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। जगत में ये सबसे बड़ा दान ये नवरात्रि में जो श्रीमद् भागवत कथा जो सुन रहे हो। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, जय श्री राम। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा की जो महिमा, कभी ये 2 पुराण में आती है, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण, ये 2 पुराण में कथा आती है। कभी जो पद्म पुराण की जो कथा है, बोले सचिदानंद रूपाय विश्व पत्यादि है तवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय भया नमः। जब श्री सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं, बोले सचिदानंद रूपाय, बोले भगवान की शरीर कैसे है, बोले सत चीत और आनंद, ये 3 चीज से बना हुआ है। लेकिन हमारे शरीर कैसे हैं? बोले क्षिति जल पा ब I
पंच तत्व से बना हुआ, मिट्टी जल वायु आकाश ये पंच तत्व में। लेकिन जो ठाकुर का शरीर हमारे जैसे शरीर नहीं, उनकी जो शरीर है सत्य स्वरूप, भगवान ज्ञान स्वरूप और भगवान श्री आनंद स्वरूप है। अगर जीवन में अगर ये तीन चीज को कोई पाना चाहते हैं, पर कैसे ये तीन चीज को प्राप्त हो सकता है? बोले श्री कृष्णा या भैरव, जो भगवान की शरण में जाएगा, बोले श्री कृष्णा, बोले केवल कृष्ण नहीं, बोले श्री शब्द लिया है। श्री शब्द मतलब यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया, अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, अकेले कृष्ण पूजा नहीं करनी चाहिए। आप लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? हाथ बोल दो, हाथ उठा। कौन कौन वृंदावन गए? सब गए हो, सब गए हो। अरे कौन कौन जाना चाहते हो? हाथ उठा, सब ले चले। रामनगर के लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, सब वृंदावन जाना चाहते हैं। आप देखना वृंदावन जाओगे, वहां पर किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं मिलेगा। वहां पर सब किसके नाम लेते हैं? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वृंदावन में राधा जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? ये कृष्ण नाम क्यों लेते हैं? ये बात कृष्ण खुद कहते हैं, बोले रास शब्द कुर्बन तस्मात् ददामी भक्ति उत्तमम्, घास शब्द कुर्बत पश्चात धा विश्रवण लोभम। ये वाक्य भी यार खुद कह रहे हैं। अगर कोई राग कर बोल दिया, ठाकुर जी कहते हैं मैं तो चिंता में पड़ जाता, भैया इसको मैं क्या दूं? ये राग कर की इतने महत्व है। कृष्ण कहते हैं कि वो राधा जी की पहचान कर रहा है, कहते मैं अपना भक्ति अपनी आप उसको मैं दे देता हूं। अगर कोई धा बोल देना, ये धा कर सुनने के लिए मैं पश्चात धा भी श्रवण लोभा, उसको पीछे 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 भागते रहता हूँ। वो व्यक्ति जिधर चलता है ना, मैं भी उसको पीछे पीछे भागता हूँ। इसलिए आप लोग एक भजन सुनेंगे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, प्रभु जी आपकी भजन सुना दे। श्री राधा राधा, श्री राधा होने जो भगवान की दरबार में नाचे उसकी 84 लाख जो भी नाचना बंद हो जाएगा। अगर जो भगवान की दरबार में नहीं नाचेगा ना, ये तो पति को सामने नाचोगे, ये तो पत्नी को सामने नाचोगे, ये तो बहू को सामने नाचोगे, ये तो बेटा को सामने नाचोगे। इसलिए अभी देख लो भगवान की दरबार में नाचोगे ना, दुनिया को सामने नाचोगे। एक बार सब खड़े हो जाओ, ठाकुर का भजन में नाचो। बिहारी बिहारी चले आएंगी बिहार, Hare Radhe 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 Radhe
Thank you.
नाम लेते हैं और जोर से बोलो श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा जी का नाम सुनते ही कृष्णा भागते भागते वहां पर पहुंचते हैं। और कृष्णा स्वयं चंद्रमा को राधा जी के नाम की महिमा बताए, बोले चंद्रमा बोले मम नाम सतनाती राधा नाम सदोतमम जग करोति सदा राधा ना जाने महिमा की। कृष्ण स्वयं कहते चंद्रमा ब्रजवासी बड़े चालाक है, बड़ा चतुर है ब्रजवासी, इसलिए कहते जो एक बार मेरा नाम लेते हैं मेरे सौ नाम लेने में जो फल मिलेगा एक बार श्री राधा नाम से वही फल मिलेगा। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए जब ये भागवत का मंगलाचरण करते हैं बोले भैया श्री कृष्णाय वयम नमः, केवल हम कृष्ण के चरण में नहीं श्री जुगल सरकार श्री राधा रमन जी को चरण में हम प्रणाम करते हैं। बोले इनकी चरण में प्रणाम करने से क्या होगा, बोले सचिदानंद रूपाय आपको भी सचिदानंद की प्राप्ति होगी और ताप त्रय विनाशाय आध्यात्मिक आदि दैवी और आदि भौतिक के जितने समस्त दुख कष्ट है भगवान की शरण में ही ये समस्त दुख कष्ट समाप्त होने वाले। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुनाए गोलोक वृंदावन से विमान आया, परीक्षित महाराज बैठ करके भूर भुव समस्त लोक को पार करते हुए जब ब्रह्मलोक को पार करते हुए गोलोक वृंदावन गए ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये भागवत कथा भी इतने महत्व कि सीधा गोलोक वृंदावन। तब उन्होंने के तराजू ला करके तराजू का एक तरफ में जगत का जितने सत्कर्म को उन्होंने रख लिया और भागवत कथा का फल एक तरफ में रख दिया। देखा जिधर ये भागवत कथा रखे वो एकदम पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा और दूसरे तरह का जितने पुण्य सब हल्का हो गए। ब्रह्मा जी को पता चला ये भागवत कथा को साथ में जगत का कोई पुण्य को तुम बराबर नहीं कर सकते, इतने ये भागवत कथा की बात को। ब्रह्मा जी स्वयं महाजन है, महाभागवत है, उनका बेटा नारद चतुसन इस सबके सब महाभागवत है। बोले देखो आज से ये ब्रह्मलोक में नित्य निरंतर भागवत कथा चलनी चाहिए, इसलिए ये भागवत कथा यद्यपि श्री ब्रह्मा जी से श्री नारद जी से पहले सुने थे लेकिन जो सप्ताह विधान से उन्होंने ये चतुसन से सुने। इतने में सौनक आदि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं भैया नारद तो रमते जो कि बहते पानी फिर उन्होंने सप्ताह विधान से क्यों सुना, फिर इसका रहस्य कहते ही नारद जी सर्वत्र जब भ्रमण किया कली की राजत्व को उन्होंने देखा सब जगह में कली अपना प्रभुत्व का विस्तार करते हुए बैठा हुआ, सोचा भैया एक बार वृंदावन में जाकर के देखते हैं। वृंदावन में जब श्री जमुना किनारा में आए आश्चर्य घटना देखा, क्या देखा, एक युवती बैठी हुई उनकी बगल में दो बूढ़े केस पक गए चमड़ा ढीली है, दो वृद्ध दोनों तरफ में लेट हुए और कुछ सखियां उनकी सेवा कर रही थी और वो ईश्वरी बैठ बैठ करके रो रही थी। नारद जी बोले भैया ये कौन है, बोले नारद जी ये मेरे दो बेटे हैं। जगत का नियम है माँ होती है बूढ़ी बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरे दुर्भाग्य को देखो माँ तो मैं युवती हूँ लेकिन मेरे जो बेटे जो ज्ञान ये वैराग्य है ये बूढ़े हो गए। बोले ये बूढ़े कैसे हुए, बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि करना टके गता कोचीत कोचीत महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। मेरी तो जन्म तो उत्पन्ना द्रविड़े साहम द्रविड़े देश में मेरी जन्म हुई, उसको बाद में मैंने जब महाराष्ट्र में गई वहां पर भी बड़ी हुई मैं, लेकिन जब ये गुजरात गई मैं वृद्ध हो गई। बोले क्यों, बोले गुजरात में लोग सब नास्तिक लोग पहले रहते थे, कहीं भी ठाकुर को सेवा पूजा नहीं,
अगर कोई चोटी कंठी वाले अगर कोई तिलक लगाने वाले पहुंच जाए ना, बोले भैया तुमने इसे कौन सा पाप किया, गले में कंठी पहनी, ये तिलक लगाए तो बोले क्या बगुला टाटी कर दिया है, अगर चोटी रखे ना बोले क्या तुम्हारी एरिया ले, जब तक देश से बाहर नहीं निकाल देते तब तुमको चैन नहीं पड़ती, इतने नास्तिक था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना, गुजरात सबसे पृथ्वी का सबसे ज्यादा अगर कहीं भक्ति करने वाले गुजरात में देखो, सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले, सबसे ज्यादा पैसा वाला भी गुजरात में देखोगे, बोले ऐसे कैसे हो गया, बोले वहां पर से ही बड़े बड़े संतों लोगों ने ज्ञान मिल गया, बल्भाचार्य, तुकाराम, नरस भगत, ये सबके सब वहां पर जन्म हो गई। बोले जहां पर एक कोई संत जन्म हो जाए, कोई वैष्णव जन्म हो जाए, श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं तहार प्रभाव को विभजन विस्तारे, संत इनकी दृष्टि जितने दूर तक फैल जाती है उतना दूर तक सारे दुर्भिक्ष दुनों का ऐसा दूर हो जाता है। जब भगवान की कीर्तन में हाथ उठा करके नाचते हैं स्वर्ग का कल्याण होता है, और उनकी चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। इसलिए भगवान कहते हैं बोले कुलम पवित्रम जननी पितार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरे सा जैसा कुल वैष्णव नामधेय। एक अगर वैष्णव कहीं जन्म ले लिया संत बट उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, स्वर्ग में जो पूर्वज लोग गए हाथ उठा उठा करके नाचने चले जाते हैं, ये पृथ्वी धन्य हो जाती है, जो पिता माता उसे जन्म देते उनका जीवन भी धन्य हो जाती है एक संत जन्म ग्रहण करने पर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, संतों की इतने प्रभाव है। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, बोले एक समय को एक जंगल था, वह जंगल में चलो भूत ही भूत रहते थे, कौन रहते थे जंगल में, मरने के बाद जो भूत रहते थे। एक बार क्या हुआ, किसी संतों को उसी जंगल में दाह संस्कार की, लेकिन उसी समय में सारे भूत तो थे उसी जंगल में, लेकिन जो एक भूत है ना वो गया हुआ था कहीं घूमने के लिए, लेकिन वहां पर जब एक संतों की संस्कार की गई, शरीर को दाह संस्कार की, उसका धुआं पूरा जंगल में गया, जंगल में गया तो संतों का शरीर छोड़ने का बात बनी, इतने इसकी प्रभाव है, उसकी प्रभाव से सारे भूत लोग उधार हो गए, सारे भूत लोग उधार हो गए, लेकिन एक भूत चला गया था बाहर। जब वो आकर के देखा ना, उसका परिवार भी कोई नहीं, परिवार खत्म, बोले भैया मेरे परिवार कहाँ गए, पता चला कोई संतों को यहाँ दाह संस्कार की गई तो उसको प्रभाव से उधार हो गए, बोले भैया मैं अकेला रह गया, मेरी उधार कैसे होगी, जहां पर उनकी दाह संस्कार की थी वहां जो उनकी राग पड़ा हुआ था उसने किया क्या, वो राग में लौटपोट उठाने लग गया, जो राग में लौटपोट उठाने लग गया उसको भी उधार हो गया, वो प्रेत में भी उधार हो गया, इतने प्रभाव है एक संत कहीं अगर जन्म ग्रहण करते हैं, इतने प्रभाव संतों की, इसलिए वहां पर बड़े बड़े संत जन्म हुए हैं, इसलिए उनकी प्रभाव से संपूर्ण गुजरात बदल गया। इसलिए घर घर में देखोगे ठाकुर को पूजा देखोगे, ठाकुर जी की घर घर में तुलसी पूजा देखोगे, घर घर में देखोगे गले में तुलसी कंठी, सब तिलक लगाए हुए देखोगे, और जिस देश में सब प्रजा तिलक कंठी धारण करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, वही भगवान की धाम, वही से वृंदावन धाम बन जाता है। इसलिए मीरा कहती है आली मोहे लागे वृंदा बनानी को, आली मोहे लागे वृंदा बनानी को, आली मोहे लागे बनानी को, आली मोहे लागे वृंदा बनानी को, लागे वृंदा बनानी को, सखी मोहे लागे वृंदा बनानी को, लागे वृंदावन जनी को, सखी मोहे लागे वृंदावन जनी को, आली मोहे लागे वृंदावन जनी को।
क्यों जो वृंदावन धाम नहीं वृंदावन है क्या जी? बोले राधा रानी स्वयं कृष्ण सेवा के लिए अपना हृदय को दिशा में रखा, इसलिए वृंदावन का दो मतलब है, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी का वन, ये एक साधारण अर्थ है। कहते भैया मूल वृंदा कौन है? बोले श्री राधा रानी, और ये वन किसका वन है? श्री राधा रानी के वन, श्री वृंदावन है, श्री ईश्वर जी का ही वन श्री वृंदावन है। इसलिए वृंदावन भूमि कोई साधारण नहीं, ब्रह्मा स्वयं कहते हैं बोले चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृत दुसुरभि रभिपालयन्तम्। बोले वृंदावन का जो भूमि नहीं वो चिंतामणि वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष है। कहते वहां अगर कोई चलता तो लगता है कोई नृत्य कर रहा है, अगर कोई बोलता हो तो लगता है कोई सुंदर भजन गा रहे हैं। बोले स्वयं मृतम वो पानी नहीं वो अमृत है, अमृत, इसलिए कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होई। बोले वृंदावन धाम की वृंदावन में आकर में हो गए युवती, लेकिन मेरे बच्चे हो गए बूढ़े। बोले क्यों? बोले वृंदावन तो प्रेम का भूमि, वहां ज्ञान वैराग्य कोई पूछने वाले नहीं, इसलिए बूढ़े हो गए। बोले इनको जवानी कैसे होगी? तो नारद जी बोले, नारद जी ने वो बोले बोले चिंता मत करो, मैं जवानी तो प्राप्त करा दूंगा। लेकिन उनको कान में वेद पुराण इतिहास सब कुछ एक एक करके बोले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब गीता सुनाए ना थोड़ी सी आंख खुली, लेकिन जब खत्म हो गया ध्यान करके गिरे। बोले भैया ये गीता सुनीता कर्तव्य किमन ही शास्त्र विस्तर ही जा स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्म विरचित। ये गीता स्वयं भगवान की मुंह से निकली हुई वाणी, लेकिन प्रश्न है फिर गीता सुनकर ज्ञान क्यों नहीं हुई? बोले कारण है गीता में आठ अध्याय है, जो पहला जो पांच अध्याय है उसमें कर्म योग है, बीच में भक्ति योग और लास्ट में ज्ञान योग है। इसलिए भगवत गीता में कहीं ना कहीं ज्ञान कर्म मिला हुआ है, वो भक्ति की परिपूर्ण रूप में नहीं है, इसलिए उनको चेतनता नहीं प्राप्त हुई। तब श्रीमद् भागवत कथा की व्यवस्था की, जब ये श्रीमद् भागवत कथा सुने बस भक्ति स्वयं युवती बन गई, ज्ञान वैराग्य भी जवान हो करके वो भी कृष्ण कीर्तन में नाच उठे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय राधे। कहते भैया यहाँ शिक्षा का विषय क्या है? तो ध्यान से सुनो। कहते भक्ति कहती है मेरे दो बच्चे हैं, कौन है? एक ज्ञान और एक वैराग्य है। यहाँ प्रश्न होता है भैया भक्ति तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, भक्ति स्वयं स्वतंत्र है, फिर इनका बच्चे ज्ञान वैराग्य कैसे हो गए? क्योंकि ज्ञान वैराग्य से थोड़ी भगवान मिलते हैं, भगवान तो प्रेम से ही ठाकुर मिलते हैं, फिर ज्ञान वैराग्य कैसे? यहाँ जो ज्ञान है एक ब्रह्म ज्ञान और एक भक्ति युक्त ज्ञान है। जो मायावादी ब्रह्मवादी जो लोग कहते हैं ब्रह्म ज्योति में अपना ज्योति को मिला देना चाहते हैं, ये ज्ञान से भक्ति घटती है, वो ज्ञान नहीं। लेकिन एक ज्ञान तत्व पदार्थ ज्ञान और एक तत्व पदार्थ ज्ञान है। इसलिए जो तत्व पदार्थ जो ज्ञान है, जो जीव को जैसे हम लोग कथा सुन रहे हैं भाई अभी तक ज्ञान है, अभी तक ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान क्या है? ये भक्ति को पुष्ट करने वाले, भक्ति को मदद करने वाले, भक्ति को विनाश करने वाले नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, भक्ति को ये ज्ञान कर्म द्वारा ढकनी नहीं चाहिए। इसलिए भैया ज्ञान वैराग्य को पुष्ट कैसे मिलेगा? पर ये भागवत कथा से ही ज्ञान वैराग्य को पुष्टता इसी से मिलेगा। इसलिए ये भागवत कथा सुन करके ज्ञान वैराग्य ना टूटे भक्ति देवी भी जवानी होगी। तात्पर्य क्या है? अगर हमारी अंदर में भक्ति युक्त ज्ञान नहीं होगा
और भक्ति युक्त वैराग्य मतलब विशेष पूर्वक अनुराग नहीं होगा, फिर ये भक्ति रोती रहेगी, ये भक्ति रोती रहेगी, भक्ति नाच नहीं सकती। लेकिन ये भागवत से ही ये ज्ञान वैराग्य को पुष्ट मिलेगी और भक्ति के द्वारा ही हम प्रसन्न हो सकते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखो उसमें एक कथा आती है गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा। अभी हमारे बीच में हमारे एक प्रभु जी बैठे हुए हैं। अभी आपको आपको प्रभु माइक दे तो माइक दे। अभी प्रभु जी हमारे गौर सुंदर प्रभु जी आपको गोकर्ण धुंधुकारी के बारे में सुनाएंगे और थोड़ी देर बाद में हम कथा को विश्राम कर देंगे। और देखो कल जब आप लोग आओ ध्यान देकर सुनो, हमारे बड़े गुरु जी कहा करते थे अगर किसी व्यक्ति को अगर भागवत कथा में ले आओगे, गुरु जी कहते थे आप जिसको लाओगे उसको जो पुण्य मिलेगी लाने वाला को आधा पुण्य मिल जाएगा। इसलिए गुरु जी कहते थे जब जब आओ एक एक भक्त दस दस भक्तों को लेकर के आओ। कितने कितने भक्तों को लेकर के आओगे? अरे बोलो कल लाओगे दस दस भक्तों को। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमकराय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। बोलिए बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परमाराध्य तप श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री गुरु गोस्वामी चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम। श्रीमद् भागवतम का पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य आप लोग श्रवण कर रहे थे श्री गुरुदेव के मुखारविंद से। विशेष करके इसके अंदर दो कथाएं आती है, एक तो ज्ञान और वैराग्य। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की महिमा मात्र सुनते ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों वहां पर नृत्य करते हुए और उपस्थित हो गए। जब ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों नाचते हुए पूरे नव यौवन को प्राप्त करके और वहां पर उपस्थित थे, उसी समय में नारद जी प्रश्न करते हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ श्रवण करके क्या किसी पापी व्यक्ति का भी उद्धार हुआ है? क्योंकि कलयुग में तो प्रायः सब पाप पारायण व्यक्ति है और इन पापी व्यक्तियों के उद्धार के लिए यदि भागवत जैसा सरल साधन उपाय उपलब्ध है तो इसमें कोई इतिहास का वर्णन आप कीजिए, कोई उदाहरण यदि हो तो हमें बतलाइए। तो उस समय पर चतुर्सत वर्णन करते हैं कि पापी की बात ही छोड़ दो, जिस व्यक्ति ने जीवन में पाप के अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं किया हो ऐसे व्यक्तियों का भी यदि उद्धार हुआ है तो वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से हुआ है। बोलो श्री भागवत कथा कृतम की। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमानुदा क्रोधा विदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। ये सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत ग्रंथ के श्रवण से जो लोग क्रोधी जो लोग कामी जो लोग कुटिल है जिन्होंने पूरे जीवन पाप के अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं किया हो ऐसे पापी व्यक्तियों का भी उद्धार हुआ है केवल मात्र श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से। तब वहां पर एक उदाहरण यहाँ पर कहने लगे, एक आत्मकथा।
श्री तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जो कि शौर्य स्नान में बड़े ही निष्णात द्वितीय एवं भास्कर उन्हें पंडितों की सभा में दूसरे भास्कर के नाम से जाना जाता था। इतने विद्वान और सभी सदाचरण संपन्न सभी कार्यों में निष्णात उन आत्मदेव पंडित की पत्नी पत्नी का नाम था धुंधली यथा नाम तथा गुण उनका नाम जैसे धुंधली था धुंधली का अर्थ क्या है बोले धुम धुम करोगी इति धुंधली जिसे सब समय कलह करने में लड़ाई झगड़े में ही मन लगता था। सब समय पड़ोसियों के साथ में आसपास की महिलाओं के साथ में लड़ाई झगड़ा करती रहती थी कलह करती रहती थी और भगवान का दिया हुआ सब कुछ था लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। यहाँ पर देखो इस संसार में भी प्रायः देखा जाता है कभी कभी पति तो होता है आत्मदेव अर्थात पति तो बड़ा ठाकुर जी की सेवा पूजन में रुचि लेता है बड़ा ही आचरण संपन्न होता है लेकिन पत्नी होती है धुंधली ठाकुर जी सेवा ठाकुर जी पूजा भजन इत्यादि से कोई मतलब नहीं सदा कुतर्क। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि पत्नी बड़ी भक्तिमान होती है पत्नी होती है आत्मदेव और पति हो जाता है धुंधली। यहाँ पर उदाहरण देकर बताते हैं कि भैया अगर दोनों ही आत्मदेव होकर भगवान का भजन करते करते यदि जीवन यापन करे तब जाकर ये गाड़ी दोनों पहियों पर ठीक ठीक रूप में चलती है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय आत्मदेव इतने दुखी हो गए थे कि घर में कोई संतान नहीं है आत्महत्या करने के उद्देश्य लिए वन में चले गए थे। वन में जब जोर जोर से खंडन कर रहे थे तो उसी समय पर एक सन्यासी वहां से गुजरे हैं। सन्यासी ने देखा कि जंगल में आखिर कौन रो रहा है जाकर पास में देखा कि ब्राह्मण उनसे पूछा कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी। अरे विप्र ब्राह्मण आपको देखकर लगता है आप बड़े दुखी हैं आप क्यों रो रहे हैं आपके क्रंदन का कारण बतलाइए। तब उस समय पर आत्मदेव कहने लगे कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है सब धन ऐश्वर्य सुख भोग रहने पर भी मैं बड़ा दुखी हूँ। और वहां पर सन्यासी जी सर पे माथा पीट पीट कर और कहने लगे कि हे भगवान मैं तो सोच रहा था कोई भगवान का स्मरण करके और रो रहा होगा। ब्रज गोपियां जिस प्रकार कृष्ण के दास से अंतर्ध्यान होने पर क्या किया रुरुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा कहा उन ब्रज गोपियों के समान मैंने विचार किया कि कोई ठाकुर का स्मरण करते करते रो रहा होगा लेकिन इन्हें तो पुत्र का मोह सता रहा है ये तो बेटा बेटा करते रो रहे हैं। उनको समझाने की चेष्टा करी कि देखो ब्राह्मण देवता अरे पुत्र प्राप्त होने से आप सुखी हो जाओगे ये आपकी गलत धारणा है। सगर महाराज का नाम सुना है आप लोगों ने सगर महाराज श्री यदि यहाँ पर सन्यासी जी कहते हैं कि सगर महाराज के तो 60,000 पुत्र थे क्या वो उनको सुख दे पाए अंत में जल के राख हो गए। चित्रकेतु महाराज उनके भी तो कोई संतान नहीं थी जब अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से कोई संतान हुई उसी संतान को रानियों ने विष देकर मार दिया वो ही संतान अंत में परम दुख का कारण बना इसीलिए संतान से सुख हो जाओगे ये एकदम गलत धारणा है। सन्यासे सर्व का सुखम सन्यास ले लो हमारे साथ भ्रमण कर दो और ठाकुर की भजन में ठाकुर की सेवा पूजा में कितनी मस्ती कितना आनंद है एक बार हमारे साथ चलकर देखो। आत्मदेव कहने लगे कि तुम बाबा बैरागी अरे तुम्हें क्या पता कि जब छोटे छोटे बच्चे तुतली तुतली भाषा में पापा पापा मम्मी मम्मी कहते कहते जब पुकारते हैं मन में कितना आनंद लगता है आप तो बाबा बैरागी हो आपको क्या पता उपदेश मत दो हमें हम ब्राह्मण हैं अरे ज्ञान हमारे अंदर भी परिपूर्ण है इसीलिए पुत्र हो सके ऐसा कुछ आशीर्वाद दो। उस समय पर आत्मदेव कहने आत्मदेव को सन्यासी समझाने लगे कि देखो हम थोड़ा सा ज्योतिष भी जानते हैं और तुम्हारी ललाट पढ़कर हम बता दे रहे हैं कि इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक सप्त जन्मावधि का पुत्र नहीं बच नहीं बच अरे अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होने वाला। ये सुनते मात्र ही तो आत्मदेव वहां पर सर पीट पीट कर रोने लग गए अरे आप हमारा दुख क्या बताओगे आपने तो मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया मैं सोच रहा था आप किसी पुत्र होने का आशीर्वाद दोगे और आप कहते हो 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं। बोले हाँ सत्य तो यही है आत्मदेव ने उस समय पर बड़ी प्रार्थना करी आप कुछ न कुछ आशीर्वाद करे हैं। सन्यासी ने उसी समय पर अभिमंत्रित फल आत्मदेव को दिया कहा कि ये अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी को खिलाने से क्या होगा बोले पत्नी गर्भवती हो जाएगी। आत्मदेव के तो आनंद का ठिकाना नहीं न
नाचते कूदते अभी जब घर पे आए हैं, पत्नी को बुलाते हुए कहते हैं, सुनो भाग्यवान, सुनती हो? दुदरी भी वहां से दौड़ी दौड़ी आई है, लगता है आज कोई बड़ी दक्षिणा मिली है, इसीलिए आप मुझे बड़े प्रसन्न है। दुदरी ने पूछा क्या हुआ? बोले देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। बोले क्या लाए हो? दिखाया कोई फल। दुदरी का माथा खराब हो गया। बोले मैंने क्या जीवन में कभी कोई फल नहीं खाया? मैं सोच रही थी कोई दौलत का हार बनारसी साड़ी लेकर आए होंगे, आप तो एक साधारण फल लेकर आए हो। बोले पगली, इसको साधारण फल मत समझो, इसको खाने से हमारे घर में संतान का जन्म होगा, बच्चा होगा। दुदरी कहने लगी इसको खाने से बच्चा होगा, अच्छी बात है। उसकी सहेली जब शाम में घर में आई, उसके साथ बड़ा कुतर्क करने लगी। बोले जीजे, मैंने सुना है मेरे पति एक फल लेकर आए हैं और उसको खाने से बच्चा होगा, और बच्चा होने पर बड़ा कष्ट मिलता है। मैंने सुना है एक स्त्री जब गर्भवती होती है, आप लोग गर्भवती हुए होंगे तब महसूस किया होगा, पेट बाहर की ओर निकल आता है, कुछ खाओ तो ठीक से भूख भी नहीं तृप्ति होती और चलने में भी बड़ी असुविधा होती है। दुदली कहने लगी कि अगर गांव में आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, घर में अगर किसी ने चोरों ने डाका डाल दिया तो मेरी जान कौन बचाएगा? अरे मैंने सुना था सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ में 16 साल तक रहे थे, अगर मेरा पुत्र 3-4 साल भी रह गया तो मेरा तो हालत खराब हो जाएंगे, इसीलिए मैं तो फल नहीं खाने वाली। उसकी जो सहेली थी, सहेली भी उसको समझाने लगी कि देख तेरे पति ना साधु के चक्कर में आके और पगलाए गए हैं, अरे फल खाने से कोई बच्चा होता है क्या? तू ये फल खिला दे गाय को, गाय को वो फल खिला दे, साधु के आशीर्वाद में कितना प्रताप है पता चल जाएगा। और सुन, तेरी जो बहन गर्भवती है उस गर्भवती बहन से अपने की संतान ले लो। जैसे ही ये बात हुई दुदरी के मन में तो आनंद हो गया, बोले ठीक है, मेरी बहन के घर में कुछ खाने को नहीं और मेरे घर में कोई खाने वाला नहीं, उसी से ही उसकी संतान में ले लूंगी। अभी क्या हुआ है, जैसे ही उसके बहन के गर्भ में बच्चा हुआ, उस बच्चे को दुदरी अपने घर में ले आई। आत्मदेव को जैसे ही खबर पता चली कि घर में बच्चे का जन्म हुआ है, आनंद की सीमा नहीं, पूरे गांव में वो तो एक पैर पर नाचते नाचते ढिंढोरा पिटवा दिया, सभी गांव में पूरे उन्होंने मिठाई बंटवा रहे हैं और इतने आनंद में प्रफुल्लित हो रहे हैं। 3 महीने बाद में जिस फल को उस गाय को खिलाया था, उस गाय के भी एक मनुष्य का जन्म हुआ। सभी गांव वाले इतने आश्चर्यचकित हो रहे थे, भैया ठाकुर जी देते नहीं तो देते नहीं और देते हैं तो छप्पर फाड़ के, कहां आत्मदेव के घर में एक भी संतान नहीं थी और अभी घर में पत्नी को भी संतान हुई और साथ साथ गाय को भी मनुष्य संतान, कितने आश्चर्य की बात है। गाय से जिस बच्चे का जन्म हुआ था देखने में बड़ा सुंदर, सर्वांग दिव्यरम सुंदरम निर्मलम कनक प्रभम। श्री शुद्ध गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं साधु के आशीर्वाद का फल भला कोई व्यर्थ जाएगा, बड़ा सुंदर बालक जन्म हुआ है, केवल मात्र उसके कान गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गौकर्ण। बोले श्री गौकर्ण प्रभु की। दुदली कहने लगी भैया हमारी संतान है, इसका नामकरण तो हम ही करेंगे। बोले क्या नाम होगा? बोले माँ का नाम दुदली, बेटे का नाम धुंधुकारी। ठीक है, गौकर्ण और धुंधुकारी दोनों का नामकरण हो गया। दोनों जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे ही दोनों ने ख्याति प्रदान करी, एक हो गया कुख्यात और एक होने लग गया विख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी भी अपनी माँ के समान कितना खल था, वो भी सब समय लड़ाई करता रहता, कभी बच्चे कुएं के पास खेलते तो उनको धक्का मार देता, घर के बर्तन बेच बेच कर आ जाता, माँ से पिताजी से सब समय लड़ाई करता रहता। माता तो इतनी दुखी हो गई, पिताजी इतने दुखी हो गए कि पिताजी वहां से छोड़कर और वन की ओर जाने लगे। उसी समय पर गोकर्ण ने पिताजी को पकड़कर खूब सुंदर उपदेश दिए, बड़े ध्यान से सुनिए। गोकर्ण ने जो पिताजी को उपदेश दिए हैं सचमुच में वो हमारे लिए, क्या कहते हैं? न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। गोकर्ण अपने पिताजी को समझाने लगे कि पिताजी आप सोच रहे हैं संसार में पुत्र प्राप्त करके पैसा प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा? बोले आपकी गलत धारणा है। अरे
जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है वो सोचते हैं कि पैसा आने पर सुखी हो जाएगा। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख शिवजी को भारी। तुलसीदास कहत विचारी, बिनो हरि भजन सब जीव दुखिहारी, सब जीव दुखिहारी। जब तक कोई ठाकुर का भजन नहीं करता, जब तक प्रभु राम के शरणागत कोई ना हो, तब तक कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए आप क्या करो, बोलते जाया सुता निषदा ममता विमुच पश्यानिशं जगदगां क्षणभंग निष्ठां वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बोले पिताजी, इस संसार में बंधन के दो ही कारण हैं। बोले क्या? बोले एक तो है मैं और एक है मेरा, मैं और मोर तोड़ते माया। कहते हैं आपने इस शरीर को ही मैं मान रखा है, पर हम तो ये शरीर है नहीं। उदाहरण देकर बताते हैं, जैसे एक पिंजरा है, एक पिंजरे के अंदर जैसे एक तोता विराजमान है। एक व्यक्ति क्या करता है, उस पिंजरे को तो खूब बाहर से पेंट कर रहा है, लेकिन तोते को खाना नहीं देता। पता तोता जीवित रहेगा क्या? तोता जीवित रहेगा? तोते को भी खाना देना पड़ेगा। उसी प्रकार ये शरीर तो पिंजरा है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा का आहार है भगवान का नाम। जब तक कोई प्रभु राम की शरण नहीं लेता, जब तक कोई प्रभु कृष्ण का नाम नहीं लेता, तब तक वो आत्मा पोषण नहीं पाती, इसीलिए मर जाएगी। तो क्या करो? बोले मैं और मेरा ये अभिमान छोड़ दो। और क्या करो? बोले वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आप वन की ओर चले जाओ, भगवान की सुंदर सुंदर कथा श्रवण करो, साधुओं की सेवा करो, साधु संग करो, तभी जाकर आपका कल्याण संभव है। ये सुन के और गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश जब दे रहे थे, आत्मदेव बेटे की आज्ञा पालन करके और वन की ओर चले गए। इस तरफ धुंधुकारी ने अपनी माँ को इतना परेशान किया, माँ ने भी कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। ये पांच पांच वैश्याओं को ले आया, और वैश्याएं कभी बोलती साड़ी ले आओ, कभी बोलती तेल ले आओ, कभी कहती लिपस्टिक ले आओ, जगह जगह तरह तरह की डिमांड करने लगी। अभी उन वैश्या की डिमांड पूरी करने के लिए एक दिन धुंधुकारी ने डाका डाल दिया राजा के घर में। राजा के महल से पूरा खजाना लूट के ले आया। सब वैश्या विचार कर रही है कि भैया अगले दिन सैनिक आएंगे तो हमें भी पकड़ के ले जाएंगे। रातों रात उन्होंने क्या किया, चार वैश्या ने उसके हाथ पैर पकड़े और पांचवी वैश्या ने उसके गले में फंदा डाल के धुंधुकारी को वहीं पर बड़ी पूरी तरीके से मारने की चेष्टा करी। जब वो मर नहीं रहा था, जलते हुए अंगार लेकर आई है और उसके मुंह में ठूस ठूस कर और उसको वहीं पर मार दिया। गड्ढा खोद के वहीं पर गाड़ के और वहीं से सारा धन लेकर फरार। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भैया वैश्या तनिक भी विश्वसनीय नहीं है, केवल मात्र धर्मपत्नी और विशेष करके संत विश्वसनीय है। अभी उस समय पर इतनी बुरी तरीके से मृत्यु हुई है, धुंधुकारी को भी प्रेत योनि प्राप्त हुई। गोकर्ण जी उसका श्राद्ध किया था। हमारी भारतीय सभ्यता है, यदि गया में जाकर पिंडदान करे, श्राद्ध करे, तो जाकर उस जीव की मुक्ति हो जाती है। लेकिन उसका श्राद्ध करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। घर में जब गोकर्ण जी आए, तरह तरह की आवाजें निकाल निकाल के उनको डरा रहा था। जैसे ही गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल लेकर और उसके ऊपर छिड़काव किया, उसी समय पर कहने लग गया, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मिन् धुंधुकारी दीनावता। मैं आपका वही भाई धुंधुकारी हूँ, मैंने जीवन में कोई पुण्य काम नहीं किए, केवल मात्र आप जैसा भाई मेरे पास में है, यही मेरा बल है। आप दया करके मेरे उद्धार का कुछ विचार कीजिए। उस समय पर गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। ये श्रीमद् भागवत कथा जो हम श्रवण करेंगे अगले 7 दिनों तक, इस भागवत कथा की इतनी महिमा है। देखो, गोकर्ण उस समय पर भागवत कथा का पाठ कर रहे हैं, धुंधुकारी क्योंकि प्रेत योनि में प्राप्त है, इसीलिए एक 7 ग्रंथी वाली बांस थी, उस बांस के अंदर आश्रय लिया उन्होंने। आश्रय लेकर वहीं पर कथा सुनी। जैसे जैसे एक एक दिन की कथा खत्म होती और एक एक बांस की ग्रंथि टूटती जाती, और जैसे 7 दिन खत्म हुए, दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदास वंदिता, पीतवास घनश्याम मुकुटी कुंडलान्विता।
इतना सुंदर उसने पार्षद देह धारण करा है, पीताम्बर पहन रखा है, चतुर्भुज रूप, गले में माला, मुकुट, कुंडल सब धारण करते हुए सुंदर रूप धारण किया। विष्णु लोक से साक्षात विष्णु दूत आए हैं उसके लिए रथ लेकर, और गोकर्ण जी उस समय पर आनंदित हो रहे हैं। धुंधुकारी रथ में बैठकर जैसे ही जाने लगा, गोकर्ण जी प्रश्न करते, भैया रुको रुको, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देकर जाओ। यहाँ पर भागवत कथा सुनने के लिए तो इतने सारे श्रोता है, इतने सारे श्रोता ने सबने भागवत कथा सुनी, आप रथ केवल एक ही क्यों लेकर आए? अरे सबने भागवत कथा सुनी, सबकी मुक्ति होनी चाहिए थी, सबके लिए रथ आना चाहिए था, आप केवल मात्र एक रथ क्यों लेकर आए? उस समय पर विष्णु दूत उत्तर देते हैं, देखो बड़े ध्यान से सुनो, कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अर्थ संस्थितः, इनके सुनने में फेर है, सुनने में खोट है। बोले क्या खोट है? बोले सबने कथा तो सुनी लेकिन कैसे सुनी? बोले इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। सबने इसी प्रकार की कथा सुनी है, केवल मात्र धुंधुकारी ही एक मन से खूब निष्ठापूर्वक कथा सुन रहा था। उस समय पर विष्णु दूत देखो समझाते हैं कथा कैसे सुननी चाहिए। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भाविना मनदोष जयस्येव कथायां निश्चलामति। बोले कथा कैसे सुनो? बोले विश्वासो गुरु वाक्येषु, जो वक्ता, जो व्यासदेव यहाँ पर विराजमान होकर ये भागवत कथा बोल रहे हैं उनके वचन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो बोल रहे हैं मनोकाल्पनिक मानकर उसको इग्नोर करें। बोले नहीं भैया, तब फिर कथा फल नहीं देगी, पूर्ण रूप में उनके वचनों पर विश्वास करो। विश्वास हो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भाविना, बड़े दीनहीन भाव लेकर। हनुमान जी का नाम सुना है आप लोगों ने? हनुमान जी देखना, जब जब भी राम कथा होती है उसी उसी जगह पर हनुमान जी विराजमान रहते हैं, और किस तरह से? बोले हाथ जोड़कर बड़े दीनहीन भाव से जिस स्थान पर कथा हो रही है उसी स्थान पर आकर वहां प्रणाम करते हैं, उस स्थान की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जो वक्ता है उसे भी प्रणाम करते हैं, जो श्रोता है उसे भी प्रणाम करते हैं, सभी को प्रणाम करके और आंखों से अश्रु बहाते हुए बड़े दीनहीन भाव से कथा सुनते हैं। इसीलिए कथा सुनने की यही पद्धति है, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भाविना मन दोष जयश्चैव कथायां निश्चलामति। मन के सभी दोषों को विजय प्राप्त करके और एक मन से अगर कोई कथा सुनेगा तो हमारे लिए भी रथ आएगा। आप बताओ, आप लोग के लिए भी 7 दिन बाद में रथ आएगा, आप लोग जाओगे? कौन कौन जाएगा, हाथ उठाओ। बहुत ही कम लोग हाथ उठा रहे, सोच रहे भैया घर में इतना काम है, पीछे से हमारे पीछे से कौन देखेगा, हमको तो अभी बड़े सारे दायित्व है। चिंता मत करो, अगर जब तक एक मन से कथा नहीं सुनते, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक भगवान के रथ नहीं भेजेंगे। लेकिन बस कंडीशन यही है कि व्यासदेव के श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो कह दिया है उन वचनों पर संपूर्ण विश्वास रख के एक मन से कथा सुननी चाहिए। अभी गोकर्ण जी ने क्या किया है, पुनः वापस सप्ताहपरायण का आयोजन किया, सभी गांव वाले इस बार एक मन से कथा सुन रहे हैं, पूरा मन देकर 7 दिन बाद में जब कथा समाप्त हुई जितने वहां पर श्रोता थे उतने ही वहां पर रथ आए हैं, सभी लोग वहां पर रथ के अंदर विराजमान हो रहे हैं, भगवान स्वयं आकर और वहां पर कथा के लिए घोषणा करने लगे और गोकर्ण जी को गले लगाकर भगवत धाम को लेकर जा रहे हैं। बोलो श्री भागवत कथा अमृतम की। इसीलिए भागवत कथा की इतनी महिमा है, देखो धुंधुकारी जैसा पापी व्यक्ति भी इसका श्रवण करके और भगवत धाम को चला गया, तो फिर साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या। ये पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत की महिमा इस प्रकार निरूपण करी है, इसके आगे कथा हम बाद में श्रवण करेंगे। देखो अभी जैसे हम लोगों ने 2-2.5 घंटा कथा सुनी, लेकिन जब से सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे पता है कैसी कथा हो रही थी, दिन रात दोनों टाइम 24 घंटा ऐसे 7 दिन तक कथा हुई, कोई पानी पीना नहीं, पायखाना पेशाब बंद, तभी जाकर रथ आए। और यहाँ पर कथा 3 से लेकर 6:30 तक, लेकिन हमने देखा 4 भी बजी गया, 5 भी बजी गया, 1 तक कोई जा रही, फिर ऐसे कथा सुनने से कई होती होगी।
इसलिए कथा सुनना पड़ेगा हनुमान जैसे है। हनुमान सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश करना जैसे 3 बजे अगर आप आ जाओगे 6:30 बजे आप कथा को पूरा विश्राम दे देंगे, लेकिन अगर जल्दी आप आओगे तो इसलिए केवल और 6 दिन बाकी रह गया, जितने ज्यादा से लाभ उठा सके उतना लाभ उठाना ठीक है। अभी भागवत की आरती होगी, हम सोच रहे थे बढ़िया कीर्तन होगा जिसमें आप लोग नाचोगे गाओगे, पहले तो माता है भाग के नहीं आ सके। आरती होगी, सबके सब खड़े हो जाओ, अभी भागवत की आरती होगी, सबके सब आरती लेकर जाओ। आरती बहुत तुम हो मना, आरती बहुत तुम हो Thank you.
बाबा।